माशाल्लाह बहुत प्यारी धूप आई है और बहुत सारे कपड़े डल गए हैं। देखें बहुत सारे, इतने ज़्यादा कपड़े, और ये चादर फरहान बिछा कर गए हैं यहीं पर। कह रहे हैं आज बहुत अच्छा लग रहा है, अम्मी खाना आकर खाएंगे, अभी अब्बू भी आएंगे और नान भी आएंगे तो सब लोग खाएंगे, और हम लोग जो है यहीं पर नमाज़ भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। और जा नमाज़ का माशाल्लाह देखें, काबा जो है कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत प्यारा है काबा। और उबैद जो है नमाज़ पढ़कर आके सोए हैं धूप में, और बहुत सारे कपड़े डले हुए हैं, और हम भी चल रहे हैं अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। मेरी भी जा नमाज़ पर देखें बना हुआ है कितना प्यारी मस्जिद का गुंबस, गाड़ी की आवाज़ भी आ गई है, और हमारी अभी नमाज़ भी नहीं हुई है। और हम ला दिए थे बथुआ, देखें मोबाइल भी अपना छोटा वाला, इसमें मेरा फ़ोन आता है, और कंघी भी, और इसमें मटर भी ले आ दिए थे ताकि धूप में ही बैठ के हम सब लोग छील लें। कौन खड़ा है? अच्छा अच्छा अमरूद आया है क्या? कहाँ आया है? हाँ अमरूद ला, अच्छी बात है, अमरूद अच्छा लगता है खाते हुए। बड़ा जरा सा लाए हैं। अच्छा ले गए हैं और लोग, ठीक है। हाँ पढ़ाई चल रही है। चुप रहो, सलाद बन रहा है। हाँ हाँ तो चली गई होंगी ना। हाँ हाँ छतह पे तो है ढोलू उलू छोटे। हाँ ऐजान है, ढोलू नहीं है, ऐजान है, और आफरीदी है। अच्छा नाम है ना वो। सब लोग अपनी छत पर धूप ले रहे हैं, और हम लोग भी धूप ही ले रहे हैं ना, छत पर खाना खा रहे हैं सब लोग। अदनान नहीं है, भाग गए, उन्हें गर्मी लगी, भाग गए। अम्मा इसी से मेरे बतिया हुए थे छत पे, उन्हें मौका ना मिलता बतिया हुए कि छत पे आज बतिया हुए। तो अब्बा बाहर आ थे ना, अभी तो बात करेंगे ही ना। अमरूद हमें भी दे दें एक ठो, पहले अमरूद उसके बाद खाना। एक दे दीजिए, एक शुक्रिया। नमाज पढ़ रहे थे तब तक पर्स आ गई। देखा ऑनलाइन पर्स मंगाई गई है, आजकल सेल चल रही है ना, तो इसीलिए बहू को पसंद आई थी, उनको ये कलर पसंद था तो अपना मंगाई हैं। तो बस लाया तो हमका अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने लाओ कर दें, दिखा दें आप लोगों को भी कि कैसी लग रही है, और आप लोग को अच्छी लग रही है। तो उनको कलर पसंद था मैरून, तो यही मंगवाई हैं। इसके साथ दो है जो है, अच्छी है, नरम है, मुलायम है, बढ़िया है। अंदर एक और है अभी, उसमें अंदर छोटी है, उसमें उठकर पैसा वगैरह रख लें, छोटा मोबाइल रख सकते हैं, ऐसी है। और हमारे लिए तो सरप्राइज़ है, वो कल आएगी तो आप लोगों को दिखाएंगे, हम अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने ही करेंगे। हाँ ये देखिए बड़ी अच्छी पर्स है, बहुत अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन गोल्डन सोने की तरह ये। और भी है अंदर। अच्छा ये है, एक ही है और इसका चैन है ये। अरे अभी के अंदर है। अच्छा और ये देखें इसका लटकना बहुत अच्छा गोल्डन, इसका अच्छा कलर है, और कलर कितना प्यारा है, बहुत अच्छा प्यारा कलर है ये। ना हटो, नहीं बस दो ही दिखाए हैं अब तो नहीं है। ना बस। हाँ कलर इसका बहुत प्यारा है और मुलायम भी खूब है ना। ऐसे ले लेंगे, ऐसे लटक जाएगा, ये ऐसे है, उसके बाद और बड़ा करना है तो इससे लगा के बड़ा कर लेंगे, ये ऐसे इसमें, ये इसमें डाल देंगे ना, ऐसे ही बड़ा होता है दबा के, बड़ा टाइट होगा जी ये वाला। तो क्या आ गया है ये गोश्त, इसका क्या बनेगा? गोश्त में थोड़े से काढ़ी बनेगी दोपहर में, और इसको इसको हम नमाज दोपहर के बाद सभी लोग खाएंगे, उसके बाद और जो बचेगा उसको शाम को शोरबे का बनेगा। अच्छा
तो सब हो गई, चाय चाहिए, नमाज हो गई। अच्छा तो अंडा लाइए फ्रिज से, अंडा लाइए फ्रिज से और तब चढ़ा देते हैं। तो हम आ गए हैं किचन में, देखें नमाज तिलावत सब हो गई है। तो पहले आपसे हम सलाम अर्ज कर लेते हैं, उसके बाद फिर किचन की चाय बनाते हैं, चाय की शुरुआत करते हैं। तो हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज पेश करती हूँ। और अल्लाह करे आप लोग खैरियत से हों, अच्छे हों, और हम भी अच्छे हैं, मज़े में हैं। तो हमारे साथ बने रहें, कहीं जाएगा नहीं। देखें अंडा आ गया है, चलते हैं इसको उबाल लेते हैं। ब्रेड कहाँ? चूहा दौड़ रहा था तो इसीलिए ब्रेड उसमें रख दिया कि ताकि छू ना दे तो गंदी हो जाएगी, फिर काट उड़ देगी तो खिलाएगा नहीं। उबला नहीं चाहिए अंडा? अच्छा तो फ्राई दे दे रहे हैं, ठीक है। चाय चढ़ा दिया है, अदरक हमने डाल दिया है, और आप बना रहे हैं अंडा देसी घी डाल के? अच्छा देसी घी डालकर हम हाफ फ्राई बना रहे हैं। हाफ फ्राई मानी में भी बहुत आया कह रही है ना, इस तरह का अंडा। ओ मेरी चाय उबल रही है, ये हाफ फ्राई है, हम हाफ फ्राई नहीं खाएंगे, हमको फुल फ्राई करके पलट के दे दीजिए, ऐसे नहीं खाते हम गीला गीला अंडा। सुबह की पहली किरण जब ये चाय ले आए, चाहे पास रहो चाहे दूर रहो, सुबह की पहली किरण जब ये चाय ले आए। तो पहली सुबह की चाय आपको जल्दी जल्दी पी लीजिए, चाय की सुबह की आदत है, ठीक है। बहुत तेज़ी से खा रहे हैं बहुत तेज़ी चल रही, हाँ बहुत जल्दी ठंडा हो रहा, धूप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है ना। हाँ ये वाली नहीं, जिसमें चम्मच पड़ा हुआ है वो आपकी। ये तल मखाना मेरे लिए है, ये और, ये है। अच्छा बहू का बड़ा है, मेरा छोटा है। ताकत ले आए, जान बनाए बोल रहे हैं, ताकत ले आए ऐसे बोले, क्योंकि उम्र का तकाजा अब हो गया है, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है, तो इसलिए ताकत का सामान जरूरी है। इतनी टाइम नाश्ते में क्या बनेगा? बथुआ लिए थे तो उसको बन जाएगा, बथुआ तोड़ के कल ही रख दिया है, और राजमा बन जाएगा तो हम बना देंगे, ठीक। अच्छा खिचड़ी आज ही है, हमेशा होती है, आगे पीछे हम कह नहीं सकते। हमारा बथुआ देसी घी में और लहसुन काट के डाला हुआ है, चटनी पीस गई थी। तो बच्चों के वाली साहब जो है बथुआ मांग रहे हैं देसी घी में भुना हुआ, तो बथुआ हमारा हो गया है जो है, और इसमें जो है राजमा चढ़ा हुआ है, गल जाए तो अभी टमाटर में भूनेंगे, तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखें बथुआ भून गया है, और ये रिफाइंड डाल रहा है। आप क्या बना रहे हैं? इसको राजमा बोलते हैं हमारी जबान में, और अरबी लोबिया बोलते हैं। लोबिया बनाने जा रहे हैं, और राजमा और अरबी में लोबिया बोलते हैं। अच्छा लोबिया आपका कहाँ है? लोबिया ये है, लोबिया यानी हम लोग तो राजमा कहते हैं। गल गया है ये देखें टोके, हाँ ये देखें गल गया, ये बहुत अच्छा गल गया है ना, बहुत अच्छा गला है देखें। और ये
आप बोले थे तो हम प्याज और टमाटर काट दिए हैं, मिर्ची भी रेडी है, बस यही इतना इसके लिए चाहिए। लहसुन अदरक पीसा रखा हुआ, अगर चाहिए तो दे हम, अच्छा थोड़ा सा चाहिए तो हम जा रहे हैं फ्रिज से जाकर लहसुन अदरक ले आ दे रहे हैं। देखें गाड़ी पोछा, गाड़ी गीली करके, अच्छा एक्सरसाइज हुई, गाड़ी पोछे, हाँ पूरी गाड़ी पोछा, अच्छा अच्छा इसमें लहसुन अदरक है ना, चल नहीं ज्यादा थोड़ी नहीं है, नहीं लहसुन अदरक ये आपका है। अच्छा पहले प्याज डालेंगे, थोड़ा प्याज हो जाएगी तो दोपहर में तहरी बनेगी। हाँ अच्छा, अदनान भी तो गया था बाद में, फोन जब किए थे तो भेज दिए थे गाड़ी पोछने के लिए, गए थे अदनान, हाँ गए थे, चावल लगवा दिया। अच्छा अभी और भी हल्की ब्राउन होगी प्याज, अच्छा मिर्ची काट के डाल रहे हैं, वो दो मिर्ची, और इसमें कोई मसाला नहीं बनेगा तो नहीं आ रहा, अच्छा रुक जाओ, ला जैतून निकाल के दे दें, हाँ ये इसमें लिखा है सासू अरबी में, सासू लिखा हुआ, देखा सासू तेल को बोलते हैं, हाँ और इसमें जाजू लिखा है, जाजू इंग्लिश में कंपनी का नाम है ना, अच्छा कंपनी का लिखा है, ये जैतून कहते हैं ना, जैतून, हाँ अच्छा टमाटर डाल दिए, टमाटर और हरी मिर्ची, अच्छा तो इसमें आपका डल गया टमाटर मिर्ची प्याज, अब डल रहा है राजमा, कुछ लहसुन अदरक डालें, ये कान वाली है अदनान उठा लो अपनी, कान वाली बर्ड्स, इसको अभी हल्का हल्का फोड़ा जाएगा ना, और पानी डलेगा फिर पकेगा, सही, अच्छा ऐसे कुचल कुचल के तभी मसालेदार टाइप का हो जाएगा, चाइना वाला तो बहुत गला रहता है, ऐसा ही ये है, लेकिन अब वो पता नहीं क्या टेंपरेचर पर गला उसको वो तो राजमा चल रहा है, बथुआ भी चल रहा है, बथुआ लहसुन में देसी घी में बथुआ है, बथुआ कभी हमने नहीं लिया, अभी तक लहसुन डाल दिए राजमा में, इसको हमने अभी दाल चावल बनाया है, अच्छा जैतून डालें राजमा में, हाँ। अच्छा अच्छा है, खट्टा बढ़िया, परान तुम भी खा सकते हो, जैतून खा लो, थोड़ा और डालेंगे हम, अदनान के देखो कितना मशीन की तरह खा रहे हैं, इन्हें की कादे से खाएं, भागा थे जैसे दूध रोटी खा के, थोड़ा हमें और मिलाया, जैतून डाल दिए हैं ना, सब में नहीं डाला जाएगा, अपना डिपेंडेंट पड़ा, हाँ नहीं हमारे में नहीं डाले, हम नहीं खाते जैतून, तब वो अपनी, हाँ वैसे पकौड़ी नहीं अच्छी लगी, तो राजमा की जिद है जैतून, अच्छा तब डाल दिया जाए भाई, जिद है तो, जिद है तो मनवा लिया जाए जिद को, रखी हुई है ना, ये ठंडा हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा हाँ कर रहे अबू पैसा लीजिए, हैं पैसा पकड़िए, हमारी एक पैकेट खाद ला दीजिएगा, एक पेड़ ला दीजिएगा, जो भी गुलदाउदी मिले, गुलदाउदी में जो है जाड़े के सीजन में गुलदाउदी लग जाता है ना, या तो फिर कोई भी पेड़ दे दे जो जाड़े में लग जाए, ठीक है, आज एक पेड़ लिया है और गमला लिया है, और गमला वाला सीमेंट वाला कितने का है वहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो है दिया है, हम दिखा रहे हैं, ये देखें दरवाजे पे लिए था हम, लिए थे, था नहीं लिए थे, ये दरवाजे पे देखें, ये इसमें कह रहा बहुत ज़्यादा फूल आएगा, चार महीने लगातार, अब देखते हैं लगाते हैं, हम तो पेड़ लगाए नहीं, हमको उतना अंदाज नहीं है, देखते हैं, और ये है दो गमले, दो गमले हमने ले लिया है, अभी फिलहाल दो लगा लेते हैं, अपने शौक को पूरा करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, पार्सल आया है, अब देखते हैं क्या है, ये दो पार्सल जो है 438 रुपए का है, जा रही हूँ देने, पार्सल वाले आए हैं, दे दें उनको, हाँ लीजिए ये भैया,
चलो आ, पार्सल आया, देखो पैसा तो अपना ले लो। क्या है उबैद का ना, उसी में खोलो, खुलाओ। वाला मेरे लिए आया है, सरप्राइज है, और ये बहू का है, तो देखते हैं क्या है। बहुरिया कहाँ है, मैं कोई आ? अनबॉक्सिंग कर दें इसकी आप लोगों के सामने, क्या है इसमें। पर्स है, पर्स, ये पर्स है मेरी, बहुत अच्छी पर्स है, पैक रहने से काफ खोले ना। हाँ अच्छी पर्स है ये, कलर भी बहुत अच्छा है इसका। अब इसका कर दें, कल तो एक मैरून वाली आई थी, उसकी अनबॉक्सिंग कर दिए थे, अब एक दो आज आई हुई है। इसे कागज है, हाँ बहुत अच्छी है, इसका भी कलर अच्छा है ना। ये बहुत अच्छी है। पैसा भरा का पूरी पूरी है, पैसा भरा क्या पैसा भरा होगा, दिल्ली पर नहीं भरे, फुलाने के लिए ताकि फूली रहे, अच्छा नहीं भरा है। चलो बहुत अच्छी है, दिखाया था बड़ी थी ना, सरप्राइज बहुत अच्छा है, है ना। हाँ कलर अच्छा है, हाँ बस, हाँ हो गया। हम लोग अभी छत पर ही हैं, देखें वाली साहब, देखें हाथ धुल के खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और सब लोग छत ही पर हैं। साकिब जो है पतंग उड़ा रहे हैं और सारे लोग छत पर हैं, अदनान भी छत पर हैं, खाना खाने के लिए आए हैं। देखो छत पे बैठे आ गई है ताड़ी बनकर, अमरूद भी है, मूली भी है, और मोबाइल के साथ भी आ गए हैं। अदनान बैठे हैं, साकिब पतंग उड़ा रहे हैं, और आज है खिचड़ी। ताड़ी देखें बन गई है, ताड़ी हमारी बन के तैयार है। हाँ निकालिए, अदनान आ जाओ, चलो हम लोग खा लेते हैं। हाँ दे रहे हैं बेटा, ये गाना निकाल रहे हैं, हाँ लो लो तुम्हारी है, लो ले जाओ। हम कहाँ कह रहे हैं, ऊपर गर्म है, हम कहाँ कह रहे हैं। हाँ गर्म है, मतलब जब स्वेटर उतार दो तब सही है, अगर लो भेजे खा लो अभी नहीं। कंकड़ मट्टी के अंदर निकालेंगे तो सब पौधा लग पाएगा ही सब, और यही मंगाए हैं इसकी पौधे की खाद ये सारी, और इसमें डाल दिया है राखी, देखिए ये सब राखी डालेंगे तब जाके होगा, और इसमें से कोयला ले लें हम, कोयला लेके ई डाल देते हैं, थोड़ा सा कोयला भी फोड़ के डाल देंगे, और ये आयरन है, आयरन मोर्चा थोड़ा सा डाल देते हैं, मोर्चा तो बाद में डाल देंगे, आयरन है ये लोहे का, इसको बाद में डालेंगे अभी, और कोयला थोड़ा फोड़ के डालेंगे, इमली का, ये इमली का कोयला है, इसको कूचेंगे तब इसमें मिलाएंगे, सारी खाद इकट्ठा होगी तब जाके लगेगा। चलो रुक, यह उपली डालेंगे, उपली इससे खाद बनेगी, खाद बहुत अच्छी काम आएगी इससे, ये है उपली, इसकी उपली से खाद बनेगी, इसको कूचेंगे अब हम, है ना। पूरा पानी डाल दें एकदम, यही किचन की सारी सब्जी है उसी की खाद बनी है, इसी में डाल के सड़ जाएगी, खुद ही खाद बन जाएगी, ये सबसे खाद बन जाएगी खुद। और ये है गुलदाउदी, ये वाला पेड़ अभी आया है ये वाला, और यह देखें ये वाला दरवाजे से ये वाला फूल लिया है, वो वाला मार्केट से मंगाए थे ये वाला, तो
कह रहा है इसमें कली निकल आई है, कहाँ कली निकली है, कहीं तो नहीं निकली है। बाहर कह रहा था कि अभी और भी इसमें फूल बहुत सारे निकलेंगे, अभी तो कोई कली हमें नहीं दिख रही है। बहरहाल इसमें कह रहा निकली है कली, है नोकदार कुछ है इसमें, तो फूल कह रहे बहुत ज़्यादा आएगा। अभी किसका पेड़ है हमको नहीं पता, बता के गए थे तो हमें शौक था तो लगा लिया। चलो ये वाला तो अभी बच्चों के वालिद से मंगाया हमने, और ये वाला तो हम दरवाजे से ले लिए हैं। ये वाला ये शायद गुलदाउदी है इसका नाम है, मगर वही दिया है गुलदाउदी है बता रहा, जाड़े में लग जाती है इसीलिए। अब देखो मिट्टी में हम सब रख दिए हैं, और इसको धूप चाहिए तो इसलिए हम धूप में रखवा दे रहे हैं बगल में। धीरे धीरे ले जाओ ना, इसको धूप में रख जाएगा तो सुबह में धूप आएगी तो यहाँ से धूप लगेगी। और ये वाला भी देखें, ये भी लगा दिया है, ये वाला भी इसमें बता रहा था कि दरवाजे से लिया है, बहुत फूल आएगा। अब देखते हैं झूठ सच सब पता चलेगा। और इसमें इसकी खाद मंगा के डाल दिया सब, पेड़ पौधे की जो खाद होती है वो भी हम लगा दिए हैं। ये धूप में रहेगा ना तो अच्छा निकलेगा। दोनों को बाहर कर दिया है अभी, और गुलाब वाला भी ले आ देते हैं, इसको भी बाहर कर देते हैं ना, इसको भी बाहर कर देते हैं, इसको भी। गुलाब वाला सूख गया है ना, तो उसको भी धूप थोड़ा मिल जाएगी, सूरज की रोशनी उजाला, तो ये भी अच्छा लगेगा। गुलदाउदी का वाला बता रहे हैं, अब देखते हैं। और ये लोग तो यहीं पर निकल आए हैं तो यहीं पर छोड़ दिया इसको, सूरज सुबह में निकल आता है, सूरज सामने ही लग जाता है इन लोगों को। देखें हमारे सारे पेड़ पौधे के सारे सामान फैले हुए हैं। अब एक गमला तो अभी रखा ही है हमारा, ये वाला देखें मिट्टी भर के रखा हुआ है, अब फिर मंगाएंगे तो फिर उसको लगाएंगे। तो इसी बागवानी के साथ अब वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर हाजिर रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।